अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ऐसे ही नहीं बनता है, तो वो एक राष्ट्र ध्वज को ही मायने रखता है। ये बीजेपी की हमेशा से इस तरीके से तुष्टीकरण करने की राजनीति रही है। उसके लिए सब कुछ वही होता है, उसका देश होता है और उसका राष्ट्रगान होता है। उनको बहुत प्रताड़ना से गुजरना पड़ा है तब वो सड़कों पे आई है। हमने सारे प्रबंध किए हैं। मेरे साथ अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती पहलवानों के समर्थन में कृष्णा पूनिया जी पैदल मार्च निकाल चुकी हैं, तो आज मेरे साथ हैं। मैं जानूंगी उनसे क्या है पूरा मामला, क्या कहना चाहेंगे मैम इस मामले को लेकर, आपने जो प्रोटेस्ट निकाला है। मैं यही कहना चाहूंगी कि आज जो जंतर मंतर पर पिछली रात को भी जो हमारी खिलाड़ियों के साथ अन्याय हुआ है, पुलिस का दुर्व्यवहार हुआ है, बुरा बर्ताव उनके साथ हुआ है, और वो लगभग 4 महीने से सोच रहे हैं कि उन्हें न्याय मिलेगा, और 23 अप्रैल के बाद से वो लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, तो ब्रजभूषण को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करना चाहिए और बेटियों को न्याय देना चाहिए। आप खुद भी एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, आप भी तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो अब गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो बैठे हैं जंतर मंतर पर, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ऐसे ही नहीं बनता है, वर्षों की मेहनत लगती है, सब कुछ उसे छोड़ना पड़ता है, तपस्या उसे करनी पड़ती है, और जब वो ये जब एम ले लेता है कि उसे ओलंपिक में मेडल जीतना है तो वो एक राष्ट्र ध्वज को ही मायने रखता है। उसके लिए सब कुछ वही होता है, उसका देश होता है और उसका राष्ट्रगान होता है। और आज वो बच्चियां जब जंतर मंतर पर इस तरीके से रो रही हैं और उन्हें न्याय की उम्मीद ही नहीं लग रही है, तो ऐसे में तो यही कहना चाहूँगी कि पूरे हिंदुस्तान को उनके साथ खड़े हो जाना चाहिए। और न्याय की इस लड़ाई में मैं खुद एक एथलीट रही हूं, और मैं यही कहना चाहूँगी कि एक खिलाड़ी होने के नाते यही कहना चाहूँगी कि इस देश की जो बेटियां हैं, चाहे वो खिलाड़ी है, चाहे कस्बे में छोटे गांव में रहने वाली है, वो कमज़ोर नहीं है। हमारे देश के संस्कार कमज़ोर नहीं है कि वो अपनी अस्मत को आगे करके ऐसा काम करेंगी। उनको बहुत प्रताड़ना से गुजरना पड़ा है तब वो सड़कों पर आई है। इसको कहीं ना कहीं राजनीति से जोड़ा जा रहा है, आपकी इस प्रोटेस्ट को क्या कहना चाहें? राजनीतिक मंच देकर इस प्रोटेस्ट को कमज़ोर करना चाह रहे हैं। ये बीजेपी की हमेशा से इस तरीके से तुष्टीकरण करने की राजनीति रही है। और मैं कहना चाहूँगी कि जब इन खिलाड़ियों ने प्रोटेस्ट फर्स्ट टाइम शुरू किया था तो उस समय कोई राजनीतिक पार्टियां इनके साथ नहीं थी। अब खिलाड़ियों ने खुद ने आह्वान किया तब इनके साथ राजनीतिक पार्टियां जुड़ी हैं, और राजनीतिक पार्टियां चाहती भी थी कि ऐसा ना हो, इनका प्रोटेस्ट कमज़ोर हो। तो ये संकीर्ण मानसिकता के लोग इनको जातियों में, एक स्टेट में, और इस तरीके की झूठी बातें कर करके इनको बांटना चाह रहे हैं, कमज़ोर करना चाह रहे हैं। मैं देशवासियों से पुनः कहती हूँ कि आप जब अपनी बेटी को, जब वो पढ़ने के लिए जाती है, खेलने के लिए जाती है, काम पे जाती है, तो आप हमेशा कहते हो कि बेटा ध्यान रखना, तुम हमारी इज्जत हो, और जन्म से उसे इस बात को सिखाया जाता हो, तो वो बेटी कैसे ऐसे अपनी अस्मत को दाव पे लगा के ऐसे सड़कों पे बैठेगी? आप खुद एक महिला हैं, काम पे निकलती हैं, आप 100 बार सोचती होंगी कि मैं निकलूंगी तो कैसे मैं वापस आऊंगी। तो ये बेटियां ऐसे ही नहीं बैठी हैं, पता नहीं कितनी प्रताड़नाओं से इन्हें गुजरना पड़ा है तब जाकर ये बैठी हैं, तो इनको न्याय मिलना चाहिए। आप राजस्थान के खिलाड़ियों के लिए क्या सुरक्षा देने वाली हैं? अगर ये मामला दिल्ली में उठता है तो आप राजस्थान में खिलाड़ियों के साथ क्या सुरक्षा देने? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे जो स्टेडियम्स हैं, हमारे जो क्रीड़ा परिषद है या हमारे जो एकेडमीज हैं, हमने सारे प्रबंध किए हुए हैं, पर पता नहीं कौन व्यक्ति किस मानसिकता का कहाँ पर कैसा हो, कभी भी हमारे एथलीट्स को, हमारी बच्चियों को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनके साथ ये लगता है कि उनके साथ गलत हो रहा है, तो उन्हें निसंकोच, चाहे मीडिया में कहे, मैं ये नहीं कहती हूँ, हम उसके साथ खड़े हैं, चाहे क्रीडा परिषद में आके कहे, चाहे कैसे भी, उसको अपनी बात रखनी चाहिए और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, क्रीडा परिषद खिलाड़ियों के साथ खड़ी। तो मैंने यहाँ कृष्णा पूनिया से बातचीत की और उन्होंने कहा कि वह राजस्थान के खिलाड़ियों के साथ हैं और लगातार वो न्याय की मांग करते रहेंगे। तो देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी, जयपुर, राजस्थान।